हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्नैक्स, पिज्जा पास्ता स्टिक्स। इसके लिए ये देखिए, मैंने बो शेप का, ये देखिए ये बो शेप का पास्ता बॉईल करके और इसको फ्रिज में ठंडा करने रख दिया था और इसके ऊपर ऑयल लगा दिया था। ये मेरे पास वुडन स्क्यूअर्स हैं, दो साइज के हैं और ये टूथपिक भी हैं, टूथपिक में भी लगा सकते हैं। अब इनको इसमें सेट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से सेंटर से लगाएंगे। ये मेरे पास कलर्ड वाला था, अगर प्लेन है तो प्लेन भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको ओवरलैप करके फिक्स करेंगे, बहुत ही आराम से लग जाते हैं। बस पास्ता ज्यादा उबलना नहीं चाहिए, जितना आपके पैकेट पे लिखा है उससे आपको एक नंबर कम ही उबालना है। बस देखिए ऊपर से थोड़ा खाली छोड़ देंगे इस तरीके से, कुछ बड़ी में और कुछ छोटी में सभी स्टिक्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए सभी स्टिक्स तैयार हो गई हैं। ये मैंने एक, ये देखिए, और ये तीन तरह की लगाई हैं, बहुत ही क्यूट लग रही हैं। अब इनके ऊपर पिज़्ज़ा अरेंज करेंगे, इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। आप अपने पसंद की कोई भी टॉपिंग लगा सकते हैं, शिमला मिर्ची लगाएंगे, थोड़ा सा प्याज लगा देंगे बारीक कटा हुआ, बेल पेपर लगा देंगे रेड, अगर है अवेलेबल तो लगा दीजिए जो भी कलर की आपके पास है, एक दो कॉर्न लगा देंगे। अब इसके ऊपर मोजरेला चीज़ लगाएंगे। बस हम इसको सेंटर में ही लगाना है, खुद ही मेल्ट होके पूरे में हो जाएगी। अगर ब्लैक ऑलिव्स हैं आपके पास अवेलेबल तो एक एक ब्लैक ऑलिव लगा देंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे, कुछ चिली फ्लेक्स डाल देंगे। ये देखिए हमारी पिज़्ज़ा पास्ता स्टिक बहुत ही खूबसूरत बनके तैयार है। बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगा लेंगे और इसके ऊपर अरेंज करते जाएंगे। ये देखिए सभी पिज़्ज़ा पास्ता स्टिक्स रेडी हो गई हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अब इनको 180 डिग्री के प्री हीटेड ओवन में 4 से 5 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आप बेकिंग कढ़ाई में करते हैं तो इनको कढ़ाई में उसी तरह बेक कर सकते हैं, इनको पैन में भी ढक के आप बेक कर सकते हैं। ये देखिए पिज़्ज़ा पास्ता स्टिक्स बेक हो गई हैं, पूरे 5 मिनट मैंने इनको बेक किया है। सबके ओवन की सेटिंग अलग होती है, चीज़ के ऊपर से पिघल जाने तक आप इसको बेक कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत हमारी स्टिक्स बनी है, आप जो साइज़ में बनाना चाहें। ये देखिए छोटी छोटी भी कितनी क्यूट लग रही हैं, टूथपिक पे ये मैंने लगाई हैं। लीजिए बन के तैयार हैं बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा पास्ता स्टिक्स, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इनको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।